कलर है इसका। इस मार्केट करते करते भूख लग गई थी, बाबू गर्मी से परेशान थी, इसलिए हम रेस्टोरेंट में आए हैं। इसे चल रहा है राम लड्डू कॉर्नर। और आपको ये सबसे प्यारा लग रहा है, मुझे ये वाला। इस पे ना हम व्हाइट टी शर्ट, पिंक टी शर्ट, हाई ठंड में हाई नेक के ऊपर भी पहना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैडम जी आ गई हैं ज्वेलरी के शॉप पे। भाई ज्वेलरी ज़्यादा जरूरी होता है कि कपड़े ले लो, पर अभी कपड़े तो लिए नहीं है, तो ज्वेलरी देख रही हैं। और इधर भी देख लो, गर्मी बहुत है लेकिन शॉपिंग भैया कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते बहुत सारे नग वाले ज्वेलरी हैं, अंगूठी है, कान में का है और हाथ में पहनने वाला होता है। और ये जो बच्चा है ना, इसको आप देख रहे हैं, इन्होंने इनको पहचान लिया कि आपको बिना कौन ब्लॉग्स हो। उन्होंने अपनी मम्मी को कॉल लगाई, वीडियो कॉल पे दिखाया, अच्छा लगा बात करके कि चलो भाई मार्केट में भी लोग जान गए हैं। तो ये ले रहे हैं, देखते हैं क्या क्या लेती हैं, अभी तो देख रही हैं। सबसे दिक्कत तो ज़्यादा यही होता है इनका कि जल्दी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती है, और पसंद आना भी अच्छा हो, पसंद आना भी चाहिए। अभी ले लें फिर चलते हैं यार, भूख वूख भी लग रही है, कुछ खाते हैं। मार्केट में देखिए कितना भीड़ है, रात का टाइम होने वाला है, अभी ले लें। देखिए उन्होंने हाथ में पहन रखा है, कितना प्यारा लग रहा है। लड़के ने डिस्काउंट दे दिया है, बहुत अच्छा लगा। चलो भैया डिस्काउंट मिल गया, यहाँ पहचान है तो डिस्काउंट मिल गया आराम से। ड्रेस कैसी है आपकी? मैं भाई तो मैं ड्रेस भी नहीं ली हूँ, लेकिन ये मुझे ना बड़ा हो रहा है, एडजस्ट कर ले। इस मार्केट करते करते भूख लग गई थी, बाबू गर्मी से परेशान थी, इसलिए हम रेस्टोरेंट में आ गए। इसे चल रहा है राम लड्डू कॉर्नर। बाबू आप क्या खाओगे? क्या खाओगे? पानी पिलाओ बाबू को पहले। नाश्ता पानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाथ दो, हाथ दो पापा को, हाथ दो पापा। क्या पापा आपके रिंग तो कभी पहना है? कहीं एंगेजमेंट ही नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिए राम लड्डू आ गया है, यहाँ का बहुत ही फेमस है। पानी आ गया है, कोल्ड ड्रिंक आ गया है, बाबू का भी पानी है, बाबू अपना बिस्किट खा रही है। क्या खाओगे? आपका आपके यहाँ का इडली सांभर आएगा अभी, ये खाएंगे इडली सांभर, हम खाएंगे ये। ओहो अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है साउथ इंडियन खाना। पनीर मोमोज भी आ गया है, ये लो जी मोमोज तो खा लो, लड्डू नहीं खाई। इडली सांभर, ये नाश्ता पानी हो गया। तो भूलो मत भाई कुछ, एक बैग ये बता दो, थैला इधर अच्छा लगा रहा। ठीक है, कोमल ने भी अपने लिए नहीं लिया है और अक्का के लिए भी। मैंने एक जगह देखा लेकिन अच्छा नहीं लगा, आप आगे चले जाएंगे। अच्छा जी ठीक, आप आगे जाते हो, पीछे पीछे देखते हैं। ओके हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग मार्केट से आए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, उसी पे ब्लॉग इंड हो गया था। और ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखा है मार्केट से लिया था मैंने, और ब्लैक कलर पता है मेरे एक तरह से ड्यूटी पे भी काम चल जाएगा और मैं पहन भी सकता हूँ अच्छे से। तो हम लोग आज ब्लॉग में दिखाएंगे कि हमने अबिका के लिए क्या लिया, क्या अभी और लेना है। तो जो जो लिया है पहले आप लोग को दिखाते हैं। कोमल ने ज्वेलरी क्या खरीदा? क्या बेटू क्या हुआ? और मेरे बेटू भी आज ब्लैक ब्लैक पहनी हुई है, दिखाते हैं आप लोग को। बाबू हाय कर दो, हाय कर दो सबको।
हाय कर दो। हाय हाय हाय। अब मेरी बेटू बड़ी खुशी होती है कि आप अपने से एक कदम चलती है फिर बैठ जाती है, तो कोई ना कोशिश कर रही, बहुत अच्छा लगता है। और इसको हम थोड़ा सा उंगली पकड़ के घुमाते भी हैं, चलाते भी हैं, उससे थोड़ा सा इसका मनोबल और बढ़ेगा। आ जाओ बेटा, उंगली पकड़ लो, उंगली पकड़ लो, उंगली पकड़ लो पापा। आ जा, ये देखिए देखो बैठ गई। तो चलिए हम लोग को दिखाते हैं, थोड़ा सा पहले रेडी हो जाए, नहा धो के आए हैं और भगवान के थोड़ा सा पूजा करके आते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं दोस्तों कुछ देर बाद। तो गाइस लेके बैठ गए हैं हम लोग सामान, बस मेरी आंखें पता है खराब हो गई है क्या? क्यों दिख नहीं रही क्या तुम्हें? मुझे नहीं दिखता है। ये जहाँ से कर लिया, उनका अपना कार्ड भी है, राज क्लॉथिंग फॉर किड्स, ठीक है, काफी अच्छे कलेक्शन के लिए। एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, लेकिन वहाँ बच्चों कपड़े बहुत फैंसी मिल रहे थे क्योंकि हम लोग उस शॉप पे जाने वाले नहीं थे ना। हम लोग लाजपत नगर में एक शॉप है वहाँ पे हम लोग लेते थे, लेकिन वो शॉप उस दिन वो भी जेन्युइन प्राइस में। हाँ। तो सबसे पहले देखो ये बाबू खिलौने जरूरी है ना बच्चों के लिए, ऐसे चलेगा। और ये कार है बाबू के लिए, लो बेटा आपका है ना। एक अविका का हो जाएगा, एक सोना की ले लेंगे। दोनों खेलेंगे अपना आराम से, तो किसी के नाम की नहीं लिए, ले लिए हैं। बाबू खेलती नहीं है, कोई मन करता है खेलती नहीं तो नहीं। इनको पता है क्या चाहिए होता है? इनको मेकअप का सामान चाहिए। देखो इन्होंने एक डब्बा रबड़ ले लिया है। हाँ मैं रबड़ ले ली हूँ, पूरा कलेक्शन मल्टी कलर है। और ये बाबू के लिए चश्मा आपने देखा, बाबू ने लगाया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यही देख रही है, ये भी लिया था क्या? हाँ, एक नेल पेंट लिया था। कौन सा कलर है? चॉकलेटी कलर टाइप टाइप का लग रहा है ना जी। हाँ, इसमें तो निकाल नहीं गया। हाँ, लगा के वीडियो। ये पूरा छह का पूरा पत्ता था और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ₹50 हाँ, लेकिन पता है ₹50 पूरा मिल गया तो हम बहुत खुश हो गए, चलो ले लेते हैं। तो चलो दोस्तों मैं कपड़ा दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या कपड़ा लिया है। लगा लो, अच्छा लग रहा है। कल लगाए थे दो। हमारी बाबू नहीं दिख रही क्या? हमारी बाबू को बाल ही नहीं है तो लगाते हैं। आ जाएगा बाबू को बाल, फिर अच्छा लगेगा ना। कोई चीज कभी ना बाल आ जाएगा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले दिखाते हैं अगले कपड़े, कितने कपड़े हमने लिए हैं। ज्वेलरी नहीं दिखाए, कौन सा ज्वेलरी? हाँ यार, इन्होंने ये खरीदा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, जो कि क्या बोलते हैं ना, स्टोन में है, एडी नग है, और ये हाथ में पहनने के लिए है। तो इन्होंने मतलब, तो गाइस ये मैंने लिया है ना बाबू के बर्थडे में पहनने के लिए, क्योंकि मेरा मन था ना कि चूड़ी से थोड़ा हटके हमेशा मतलब है ना लुक हमेशा चेंज करना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ नया क्रिएट करना चाहिए। तो मैं अभी हाथ में पहनने वाला, तो हाँ ये हाथ मेहंदी बोल सकते हैं, ब्रेसलेट भी बोल सकते हैं। तो मैं ना दिखाओ कैसा लग रहा है, अच्छा लगेगा। अभी अभी हाँ रेडी नहीं हुए उसमें होगा। हाँ तो मैं जब रेडी हो जाऊंगी नेल पेंट वगैरह अच्छे से लगा लूंगी तब अच्छा लगेगा। उसमें एक पता है रिंग, ये क्रॉस वाली रिंग मेरा बड़ा मन स्टार कर वाली रिंग है, क्रॉस बोल सकते हो। अभी मैंने कपड़ा डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये ऐसा है ना कि हर कपड़े में जाएगा। मार्केट जो जाना है कपड़ा लेना है क्या पहने, सबसे पहले देखिए इसके लिए मतलब ये लिया है मतलब डेली यूज के लिए, ये कितना प्यारा लगा, कमेंट बताइएगा कैसा लग रहा है। ये बाबू आपको पता था सबसे प्यारा ड्रेस मुझे यही लगा था, यही देख के हम शॉप पे गए थे ना, यही लगा देख के गए थे, गए तो एक ने चार ले लिए। और पता है बाबू यही पकड़ रही थी तो इनके पापा बोल रहे चलो ये मेरे बाबू को पसंद आ गया, ये लेना है। एक ये है और ये कैजुअल है डेली वेयर के लिए, डेनिम में है ये भी डेली। आपने बोले थे अब तो अभी लड़की का सारा लड़की वाला कपड़ा लेके आए इस बार, आप लोग बाल आ गए तो इधर अच्छा लग रहा है। अब बाल आ गए तो लड़की वाला ही। और देखिए ये लिया है, कितना प्यारा कलर है यार, मल्टी कलर है, मैं देख के एक ही बार मुझे पसंद आ गया। एक बहुत ही प्यारा सा है, एक बहुत प्यारा सा टी शर्ट है, और क्या बोलते हैं इसे डांगी डांगी टाइप का है, और इसमें देखिए ये भी लटका हुआ है, अच्छा लगेगा। तो इस बार कोई कमेंट नहीं करेगा कि आप लड़कों का कपड़ा क्यों लेते हैं। पता है अब हम लोग के टाइम मतलब समय में मेरे बाल आ रहे तो अच्छा लगेगा, डांगी बोलते हैं हम लोग, मम्मी बाबा सूट बोलती है। हाँ बाबा सूट ही, हाँ हम जानते हैं। और एक कपड़ा मैंने और लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत था, मैंने एक बार में देखा पसंद आ गया, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। एक ये है थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप का है,
बस ये बर्थडे में अब तक ले नहीं है, उनका एक रख लेते हैं यार। ये ना ऑप्शन में हमने ले लिया है कि अगर मिल गया हम जैसा फ्रॉक बाबू के लिए अप एंड डाउन वाला ढूंढ रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। इसका देखिए जो स्कर्ट है पूरा सीक्वेंस में ऐसे पकड़ो, हम दिखाते हैं। तो अप एंड डाउन वाला अगर फ्रॉक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में ये है, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो ये बाबू का स्कर्ट, स्कर्ट बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। अभी हम लोग मार्केट जाएंगे, ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लगे जाओ पहने की। चल भी रही चलेगी तो और चुमक चुमक के और मजा आएगा। तो बस दोस्तों ज्यादा सामान नहीं था, यही था और बाकी का तो भी पेंडिंग है। एक और है, क्या है, चार दिखा दिया मैंने, चारों दिखा रहा हूँ। और एक मैंने छोटा सा हाफ, मतलब कभी कभी मन करता है ना हाफ पोनी बनाए तो रबर बैंड लगाने का नहीं करता है, तो क्लचर एक छोटा सा ले लिया, ये भी अच्छा है। ये वाला सबसे प्यारा लग रहा था मुझे, और आपको ये सबसे प्यारा लग रहा है, मुझे ये वाला। इस पे ना हम व्हाइट टी शर्ट, पिंक टी शर्ट, हाई ठंड में हाई नेक के ऊपर भी पहना सकते हैं इसको। तो गाइस आज यही शॉपिंग थी, अभी ज्यादा कुछ नहीं लिए है, लेना बाकी है, थोड़ा सा समय का अभाव है, हो जाएगा। बहुत सारी चीजें छुट्टी पे करेंगे सारा काम। तो ड्रेसेस कैसे लगे आप लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब तक लिए क्या बर्थडे में पहनाऊं आप ये भी बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो कुछ न कुछ नया ट्राई करते हैं। वैसे तो मैंने सोच रखा है लेकिन एक बार आप लोग भी, एक बार आप लोग बताइए, तो देखेंगे डिसाइड करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को भी समाप्त करते हैं, आप लोग से मिलते हैं अच्छे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय बाय।